आंखों देखी में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूँ कुलरंजन झा। अभी अभी हम ददरी पंचायत में उपस्थित है और हमारे मुखिया प्रत्याशी में विजयी जीत पाए हैं रिंकू देवी, रिंकू कुमारी बोलते हैं, रिंकू कुमारी। तो यह बहुत ही मतलब अपने उत्तेजना के साथ, बहुत ही जोश जुनून के साथ उस समय में न्यूज़ से पहले, जैसे जीत से पहले इन्होंने खबर दिया था कि बहुत सारे मतलब ऐसे जनता हमारे साथ है और भारी बहुमत से मैं जीत रही हूँ। लेकिन वाकई में जैसे मुझे इनकी न्यूज़ को में दम लगते हुए और मुझे लगा कि जैसे यह कह रहे हैं कि जीत रही हूँ और वाकई में जैसे यह भारी मत से भी जीते हैं, और ये अपने सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे और साथ में ये अपना नाम पता भी बताएंगे। अब इनसे हम पूछते हैं कि जैसे क्या नाम हुआ आपका रिंकू कुमारी। और आप जो है से कितनी मतों से जीते हैं? 550 मतों से जीत दर्ज किए। 550 मतों से इनकी जीत हुई है। और साथ में जैसे अपनी सर्टिफिकेट दिखाइएगा, थोड़ा अपनी सर्टिफिकेट दिखाइए ना। निकालिए उसको, निकालिए बाहर, बाहर निकालिए उसको। हाँ, वे आपका सर्टिफिकेट हुआ नहीं? चलिए बहुत अच्छा। जैसे आपकी मतलब जैसे लोगों की सोच और आप अपनी विश्वास लोगों के प्रति रखे हैं, इस विश्वास के साथ साथ आप अगर आगे जो भी कार्य करेंगे इसमें आप जैसे जनता को जैसे लाभ हो, और जैसे आपने जनता से वादा किया है कि हम जैसे आगे से आगे बहुत से सारे कार्य को करेंगे, और सबसे पहले हम जल जमाव का जैसे समस्या खत्म करेंगे, तो जल जमाव की समस्या के खत्म करने के ऊपर आप कुछ कार्य करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं पूरे ददरी पंचायत वासियों को जी मैं इस भारी बहुमत की जीत दिलाने के लिए उनको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और उन लोगों को प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें तीसरी बार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में ददरी पंचायत वासियों का प्यार मिला, तीसरी बार हम पर भरोसा जताया। मैं उनको पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आभार व्यक्त करने के साथ साथ आप उनके जैसे लिए जैसे अब तैयार हैं कि जैसे हम उनका जो भी सहयोग होगा उनको हम करेंगे? बिल्कुल, मैंने 5 साल मुखिया रह करके जितना सेवा की और मैं चाहती हूँ कि जो पंचवर्षीय समय में जो भी हमसे छूटा हुआ काम है, जिस उत्साह के साथ मुझे आज फिर से लोगों ने जीत कर भेजा पंचायत प्रतिनिधि बनाकर, मुखिया बनाकर, मैं उस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी और खरा उतरूंगी। और मैं जो भी विकास के योजनाएं पहले भी मैं तत्पर होकर काम कराई हूं और जो छूटा हुआ काम है मैं उसको कराने के लिए तैयार हूं और मैं कराऊंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। इसी बातों के साथ नमस्कार।